हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक एजुटेक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021-22 की एडमिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए ओपन किए गए हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट्स और कितनी एज के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ इस स्कूल में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको एडमिशन लेने में कोई भी परेशानी ना आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको उस नोटिस की तरफ लेके चलते हैं जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने अपनी एडमिशन के बारे में बताया गया। चलिए हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेट कॉर्नर जो है, यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा गया है सेट नोटिस जो है, यहाँ नोट लिखा गया, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिस आ जाएगा। चलिए हम नोटिस की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने नोटिस ओपन हो चुका है और आप यहाँ देखेंगे लिखा गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लोकेटेड एट जेएल, हिमाचल प्रदेश, अजमेर, राजस्थान, बेलगम, कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका एंड ढोलपुर राजस्थान। तो यहाँ पे एडमिशन जो है प्रोसेस वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आर फुली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल हैं, यानी ये बोर्डिंग स्कूल है और एफिलिएटेड टू CBSE है एंड फंक्शन अंडर, ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंडर करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या है। क्लास 6 के लिए ओनली बॉयज एज जो है बिटवीन 10-12 ईयर होनी चाहिए। एज ऑन 31st March 2021 तक आपका जो एज है वो 10 से लेके 12 ईयर तक होना चाहिए। तो बॉर्न बिटवीन 01 यानी 1st April 2009 से लेके 31st March 2011 के बीच आपकी डेट होनी चाहिए और बोथ डेज इंक्लूडिंग, दोनों डेज जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, यानी 1st April भी आपका गिना जाएगा और 31st March भी गिना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्लास 9 के लिए ओनली बॉयज एज जो है बिटवीन 13 से लेके 15 ईयर्स एज ऑन 31st March 2021। जो बॉर्न बिटवीन 1st April 2006 से लेके 31st March 2008 है, बोथ डेज इंक्लूडिंग, इसमें भी दोनों जो दिन हैं वो काउंट होंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे बी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास 6 के लिए नो प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, कोई भी पुरानी जो है जो पिछली जो है वो मैंडेटरी नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड पॉइंट में क्लास 9 के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 8th, वो पास जो होना चाहिए वो 8th क्लास का पास हुआ होना चाहिए बच्चा, फॉर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ द एडमिशन, एडमिशन से पहले। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 8th आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 9, जो बच्चे अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अपीयर हो सकते हैं एंट्रेंस में क्लास 9th के लिए। नेक्स्ट सी पॉइंट यहाँ लिखा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो डेट ऑफ OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि OMR बेस्ड होगी आपके पास CET फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 विल बी फॉरवर्डेड टू ऑल द रजिस्टर्ड ईमेल, आपकी जो ईमेल है उसको उस पर आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि आपकी डेट जो है वो कब निकाली जाएगी एंट्रेंस की। तो मोबाइल नंबर पे भी आपको मेंशन किया जाएगा जो आप वहाँ पे फॉर्म पे भरेंगे। इन एडिशन टू इट सच इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट, ये स्कूल की वेबसाइट पे भी आपको इंटीमेट किया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है क्लास 6 के लिए जो एग्जामिनेशन होगी, क्वेश्चंस ऑफ क्लास 5th स्टैंडर्ड इन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, सब्जेक्ट जो होगा वो इंटेलिजेंस का होगा, जनरल नॉलेज होगा, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। और क्लास 9th एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8th क्लास स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट जो होंगे वो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, आपके पास मैथ्स एंड साइंस होंगे। नेक्स्ट आपके पास डी पॉइंट है यहाँ पे मेडिकल, मेडिकल टेस्ट होगा, सिलेक्शन कैंडिडेट जो आपके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट मिलिट्री स्कूल एज नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस, जो मेडिकल सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल होगा वो आपको कुछ स्कूल भेजेगा, मिलिट्री स्कूल भेजेगा, वहाँ पे आपकी जो मेडिकल टेस्ट होगा। ओनली दोज फाउंड मेडिकल फिट विल बी ऑफर्ड एडमिशन, जिनका मेडिकल फिट होगा वही एडमिशन के लिए आगे प्रोसेस में जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखा गया है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी, वैकेंसीज की क्या रिजर्वेशन है, आपके पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट पे,
70% ऑफ वार्ड यानी 70% जो वार्ड बच्चे का है ऑफ JCO या OR ऑफ आर्मी, आर्मी के जो JCO होंगे उनके बच्चे जो हैं या OR के बच्चे जो होंगे या नेवी या एयरफोर्स के इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन, आप यहाँ पे एक्स सर्विस मैन भी इंक्लूड होंगे, 70% उनका कोटा है। और 30% जो है फॉर वार्ड बच्चे के जो हैं ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिसर ऑफ आर्मी, आर्मी के ऑफिसर होंगे उनके बच्चे जो हैं 30% के लिए होंगे या नेवी या एयरफोर्स के होंगे इंक्लूडिंग रिटायर ऑफिसर्स एंड वार्ड्स ऑफ सिविलियन। नेक्स्ट आपके पास सी पॉइंट है यहाँ पे, अ टोटल ऑफ 50 सीट्स आर ईयर मार्क्ड फॉर किल्ड इन एक्शन कैटेगरी इन ऑल द 5 RMS टुगेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बस यहाँ पे 50 सीट जो हैं वो हमारे पास ये मार्क के रखे गए हैं फॉर किल्ड इन एक्शन के लिए, और 5 जो है जितने भी हमारे पास 5 स्कूल हैं उन सभी में ऐसा होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है, 27%, 15% एंड 7.5% जो सीट्स हैं रिजर्व फॉर द OBC SC एंड ST इन ऑल कैटेगरीज में। आप देख सकते हैं 27% जो OBC आ गया, 15% आपके पास SC आ गया और 7.5% जो ST आ गया। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पॉइंट है एडमिट कार्ड, इंटरव्यू एंड रिजल्ट कब होगा, तो कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस को क्लियर कर देंगे आर फिगर्ड इन देयर मेरिट लिस्ट, उनका नाम जो मेरिट लिस्ट में आएगा रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए तैयार रहेंगे एट रिस्पेक्टिव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। फाइनल मेरिट लिस्ट जो विल बी अपीयर आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद एक और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट विल बी होस्टेड, आपके सामने जो एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट जो होगा वो होस्ट किया लगाया जाएगा स्कूल की वेबसाइट पर, जो आपके सामने यहाँ पे www.rashtriyamilitaryschool.edu.in पे या ऑन इंटरनेट एंड कैन बी डाउनलोडेड, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 20 जुलाई 2021 1000 hour का मतलब आपके पास 10 बजे सुबह से ये शुरू हो जाएगा एट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल education.in पे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इज 20 अगस्त 2021 2000 hour का मतलब है 8 बज के यानी शाम के 8 बजे। तो नेक्स्ट आपके पास सेवन्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं कुछ, जो पेरेंट्स या कैंडिडेट्स होंगे शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर वाइल फिलिंग अप देयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वो बड़े केयर से इसको भरना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो कैंडिडेट हो। इफ़ ऑन वेरिफिकेशन आर अदरवाइज एज एनी सब्सिक्वेंट स्टेजेस, अगर कुछ भी आपका इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको आ जाती है जब वेरिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बी पॉइंट है, वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल कंडीशंस विल रेफरेंस टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन ड्यूरिंग एडमिशन, एडमिशन के समय आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। सी पॉइंट है आपके पास, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस द डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी हैव बीन क्लेम्ड बाय देम, होता अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने डाली होगी या कैटेगरीज डाली होगी जो इंटर की होगी रिकॉर्ड में, वो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें ये लिखा गया है आपके पास। एट पॉइंट जो आपके पास है, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है चेल है वो इस नंबर पे आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर दिया गया है। उस तरह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर जो राजस्थान का, उनका फ़ोन नंबर जो है अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन लेनी आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको वापस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आप यहां देखेंगे सेट कॉर्नर पे आपका लिखा गया है नोटिस, आप यहां पे क्लिक हियर फॉर द एप्लीकेशन, यहां पे जैसे क्लिक करेंगे आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे लिखा गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 आपके सामने यहाँ पे ओपन रखा गया है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस, अगर आपने पहले प्रॉस्पेक्टस नहीं डाउनलोड किया तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, ये आपके सामने प्रॉस्पेक्टस ओपन हो चुका है। यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस में एडमिशन लेने का प्रोसेस सारा का सारा प्रोसेस बताया गया, आप इसको एक बार रीड आउट कर लें। चलिए हम चलते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे लिखा गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ नीचे देख लें, ओनली मेल स्टूडेंट कैन अप्लाई, सिर्फ जो मेल कैंडिडेट है या मेल स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकता है, जो फीमेल जो गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है।
तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2021 यानी रात के 8 बजे तक ये खुला है, तो आप वहाँ तब तक हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे स्टेप कुछ लिखे गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट योर लॉगिन आईडी, आपको एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी सबसे पहले। नेक्स्ट जब आपकी वो लॉगिन आईडी बन जाएगी तो नेक्स्ट आपके पास फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और बिल्कुल ध्यान से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो नेक्स्ट आपके पास अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि आपकी मार्कशीट होगी, आप वो अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है पे एप्लीकेशन फी, जो इसकी फी होगी आपको उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं, नीचे कुछ लिखा गया है, स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगराइज सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ओनली ST ST OBC या किल इन एक्शन। आप जो स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नीचे लिखा गया है जो उसका साइज है वो लेस देन 5 MB से होना चाहिए कम। तो नेक्स्ट आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके पास जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो नीचे लिखे गए हैं, लेस देन 5 MB से कम होना चाहिए इसके साइज भी। तो नेक्स्ट आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, ये भी 5 MB से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर का जो कॉपी है स्कैन कॉपी, वो भी 5 MB से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, जो आधार कार्ड की जो स्कैन कॉपी है वो भी आपको लगानी है, तो ये भी 5 MB से कम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास बी रेडी विद डिटेल फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फी, आप रिक्वायरमेंट फी के लिए आप यहाँ पे रेडी रहेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास प्रोसीड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया, आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ओवरव्यू होगा और मेक पेमेंट एंड देन कंप्लीटेड होगा। चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे बच्चा जो है इन विच क्लास टू सॉल्व, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है आपको वो लिखना है। अगर वो सिक्स में है तो सिक्स में जाना है तो आप सिक्स के लिए करेंगे, और अगर नाइन्थ में जाना तो नाइन्थ के लिए करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट का नेम, आप स्टूडेंट का नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फादर नेम, अगर आप यहाँ फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप डालेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मदर नेम, आप इसी तरह से मदर का नाम भी डालेंगे, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कैटेगरी, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है आप इनमें से फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे, सिविलियन है या डिफेंस फोर्स है आप वो डालेंगे। नेक्स्ट आपके अगर सिविलियन है तो यहाँ डालेंगे, और आप यहाँ पे कैटेगराइज जो है जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप वो इसमें मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो स्कूल की डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिखा गया है आधार कार्ड, आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, वही कॉन्टैक्ट डिटेल आप डालना है जो आपकी जो वर्किंग चल रही होगी, ईमेल आईडी और नेक्स्ट फोन नंबर आप यहाँ डालेंगे। नेक्स्ट आपके पास एड्रेस, जो आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा गया आप वही डालेंगे यहाँ पे, या आप पोस्टल एड्रेस भी डाल सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास सिटी और एग्जाम कहाँ पे आपने देना है, आपके पास यहाँ पे तीन चॉइस हैं। फर्स्ट चॉइस जो आपके नियर बाय स्कूल होगा आप वो डालेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड जो आपकी चॉइस होगी वो डाल सकते हैं, और थर्ड जो लास्ट होगा उसमें आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्कूल, यहाँ पे आपके पास कौन सा स्कूल आपने एडमिशन लेनी है, किस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पास जो फाइव स्कूल जो है मेंशन किए गए, फर्स्ट किस में आपको प्रेफरेंस देनी है आप वो चॉइस करेंगे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ। नेक्स्ट अदर जो है आपके पास चॉइस ऑफ द हॉस्पिटलिटी फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल के लिए आप कौन से हॉस्पिटल के लिए आप चॉइस करेंगे, आपके यहाँ पे जो मेडिकल के नाम दिए गए हैं कौन से हॉस्पिटल के नाम, सब आप इनसे चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट डू यू हैव अ रियल ब्रदर ऑलरेडी स्टडिंग इन द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अगर आपका जो भाई अगर पहले से पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे यस और नो कर लेंगे, तो यहाँ पे यस नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट, जिस तरह से हमने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि लेस देन 5 MB से होना चाहिए, तो आप सभी के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रिड्यूस कर लें स्कैन करके 5 MB से कम ही करके, तो आप फिर इसको अपलोड करें। तो यहाँ पे यहाँ सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, नेक्स्ट आपके पास सिग्नेचर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपके पास जो अगर कैटेगराइज है तो आप कैटेगराइज सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है यानी 10th की मार्कशीट आप डाल सकते हैं,
वो डालेंगे। नेक्स्ट है फॉर सिविलियन कैटेगरी, अगर आप सिविलियन कैटेगरी है तो वो डालेंगे आप प्रोड्यूस कैन आधार कार्ड आप यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट फॉर डिफेंस के लिए, अगर ये सिविलियन है तो आप यहाँ पर डालेंगे, तो अगर डिफेंस के लिए आप यहाँ पर डालेंगे चॉइस कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप सेव एज ड्राफ्ट पे जाएंगे सबसे पहले, फिर आप प्रीव्यू देखेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन ओवरव्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसके पेमेंट डालनी है और आपके पास यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से हम फॉर्म को भर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो अभी तक बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप प्लीज़ अपने फॉर्म को इस तरह से भर लें और जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म भरने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट में जो ये जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो हैवी हो जाती हैं और फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।